अयोध्या के राम मंदिर से जुड़ी ये तस्वीरें एक दिन में ही इतिहास बन जा रही हैं। वजह है हर दिन मंदिर में जुड़ते पत्थर जो इसे पूरा होने की तरफ ले जा रहे हैं। यही वजह है कि 5 दिनों में राम मंदिर को बनाने में लगे खंभे और पत्थर भले ही एक जैसे दिखे, ढांचा बदल जाता है। फिलहाल ये पत्थर मंदिर के फर्श के हैं। अयोध्या में राम मंदिर बनाने का काम 80% पूरा हो चुका है। अब 70 खंभों की मूर्तिकारी का काम चल रहा है। 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम तय हो चुका है। प्रधानमंत्री को मिले नियोते पर उन्होंने मुहर भी लगा दी है। मंदिर के पहले तल का काम 21 दिसंबर तक खत्म किए जाने का लक्ष्य रखा गया है, जो पूरा हो जाएगा। यहाँ तक कार्य की प्रगति की बात है, एलएनटी ने अवगत कराया कि मंदिर निर्माण में हमने जो लक्ष्य लिया है उसमें लगभग 80% के आसपास हम पहुंच चुके हैं। थोड़ा इनले वर्क का स्टोन सब आ चुका है, उसकी फिटिंग होना बाकी है। मंदिर के परकोटे की स्थिति पूर्व निर्धारित दिशा में चल रही है। दक्षिण दिशा में बेसमेंट का काम भी पूरा हो चुका है। पश्चिमी दिशा के चारों तरफ की दीवार बन गई है। नीचे के परकोटे की दीवारें खड़ी हो गई। परकोटा लगभग पूरब की ओर से पूरा हो गया है। मंदिर का ग्राउंड फ्लोर का काम पूरा हो जाएगा, जबकि सेकंड फ्लोर का काम चलता रहेगा। मंदिर का काम ग्राउंड फ्लोर का पूरा हो जाएगा, सेकंड फ्लोर का काम चल रहा है वो आगे चलता रहेगा। अर्थात 22 जनवरी तक हम ग्राउंड फ्लोर पूरी तरीके से कंप्लीट कर लेंगे। हमारे 4 मंडप पूरे हो जाएंगे। गर्भगृह को तैयार कर लिया गया है, उसकी सफाई वगैरह भी कराई जा चुकी है। प्राण प्रतिष्ठा से पहले फर्स्ट फ्लोर का सभी काम पूरा हो जाएगा और आगे का काम आर्किटेक्ट की सलाह पर किया जाना है। अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम के मौके पर 80,000 लोगों के जुटने की संभावना जताई जा रही है। ऐसे में अयोध्या में लोगों के रहने के लिए टेंट सिटी भी बसाई जा रही है। मंदिर के कार्यक्रम को भव्य और दिव्य रूप देने की कोशिश मंदिर समिति की तरफ से भी की जा रही है और राम भक्तों की तरफ से भी। अयोध्या से बलवीर सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज़ टुडे।